सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों की अच्छाई, सब लोगों की कुशल क्षेम के साथ मैं आप सब लोगों के साथ आपका अपना दोस्त ईश नारंग एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। आज रविवार है, आज संडे है। संडे मतलब फंडे, और फंडे वाले दिन हम फन की यानी खेलों की बात करते हैं। खेलों में मतलब एक खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी। तो बस ऐसे ही एक खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी है एक लड़की की, एक बच्ची की, जिसका नाम है एकता भयान। एकता भयान 7 जून 1985 को हिसार में पैदा हुई। हिसार हरियाणा का एक शहर, जिसको हरियाणा की राजनीतिक कैपिटल भी कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है। हिसार को कई नामों से जाना जाता है। स्टील सिटी भी हिसार को कहा जाता है हरियाणा में। द स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार। तो हिसार में जन्मी यह बलजीत भयान जी के घर में पैदा हुई ये बच्ची 7 जून को। बड़ी प्यारी सी बच्ची, बड़ी गोलू मोलू सी पैदा हुई। तो घर में खुशियां दौड़ पड़ी, खुशियां बहुत हो गई। और उन खुशियों से वो बच्ची बढ़ने लगी, और बच्ची घर में ऐसे बढ़ती है जैसे पूर्णिमा का चांद बढ़ता है। और चांद ने अपने चांदनी बिखेरनी शुरू करी, और एकता की चांदनी भी घर में फैलने लगी। एकता भयान के साथ जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे जीवन को हिलाकर रख दिया। 2003 में उसको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, और उस एक्सीडेंट में उसको स्पाइनल कॉर्ड पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसके कारण उसको 9 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, और उसके 2 ऑपरेशन हुए। और जब वो घर आई तो वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, उसको व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। और उसको ये समझ में आ चुकी थी कि अब मेरा बाकी का जीवन व्हीलचेयर पर ही बीतने वाला है। लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और उसने मन लगाकर पढ़ाई करी। 2011 में हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया, और एज ए असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर काम भी शुरू कर दिया। आज वो सरकारी जॉब में है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों को निभा रही है। कुछ समय के बाद 2015 में उनकी मुलाकात एक पैरा ओलंपिक्स से हुई। हाँ जी, पैरा ओलंपिक्स मतलब वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शारीरिक रूप से डिफरेंटली एबल होते हैं, उनमें से किसी एक चैंपियन के साथ उनकी मुलाकात हुई हिसार में ही। और कुछ ये था कि उनको डॉक्टर्स ने कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह दी, और वो जब एक्सरसाइज करने जाती थी तो वहीं पर इस पैरा ओलंपिक से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्यों ना मैं भी पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भाग लेना शुरू कर दूं। पैरा ओलंपिक्स गेम्स उन लोगों के लिए होते हैं जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम्स का शुरुआत की गई। इस समय भी जापान के शहर टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, और 4 सितंबर तक ये पैरा ओलंपिक गेम्स चलने वाले हैं। और बड़ी ही खुशी की बात यह है कि एकता भयान भी इसमें भाग लेने के लिए गई हुई है। उनके पिता बलजीत भयान, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने उनको हमेशा प्रोत्साहित किया। उनके चाचा दलजीत भयान ने भी उनको हमेशा प्रोत्साहित किया। कितने सारे गेम में उनको उनके साथ जाना पड़ा, और वो हमेशा उसका साथ देते रहे। और आज तक अगर हम बात करें उनकी एकता भयान की, तो उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए जब प्रैक्टिस शुरू करी, भाला फेंक प्रतियोगिता और डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में, पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने नए रिकॉर्ड कायम करने शुरू कर दिए। और अगर आज तक की बात करें तो आज तक उनके पास 10 पदक वो जीत चुकी हैं। 2016 में सर्वप्रथम उन्होंने शुरुआत की पैरा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने की, और तब से लेकर आज तक उनके पास मेडल आते ही रहे। आज तक 10
और मेडल वो जीत चुकी हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक और 1 रजत पदक भी उनके पास है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी वो कई पुरस्कारों पर अपना कब्जा कर चुकी हैं। एकता भयान, जिन्होंने जिनका जीवन 2003 में बिल्कुल समाप्त जैसा हो गया था, जिन्होंने अपना जीवन ये सोचकर नए तरीके से शुरू किया कि अब सारा का सारा जीवन मैंने व्हीलचेयर पर ही बिताना है, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी, ना ही पढ़ाई में और ना ही खेलों में, और नए हिम्मत के साथ, नए जोश के साथ उन्होंने नया काम शुरू किया, नया खेल शुरू किया। और प्रैक्टिस जब उन्होंने इतनी करी अभ्यास के कारण, आज उनके पास इतने सारे पदक, इतने सारे पुरस्कार वो ग्रहण कर चुकी हैं कि हिसार में हिसार का नाम एकता भयान ने रोशन कर दिया। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि वो हिसार के रहने वाली है और मैं भी हिसार का रहने वाला हूँ। तो हिसार में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि उनके चाचा दलजीत भयान मेरे बचपन के मित्र भी रहे हैं, तो मैंने उनके मुंह से भी उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना। किसी भी पैरा ओलंपिक्स ओलंपिस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका जीवन ऐसा है, और हमारे देश में हमारे आसपास बहुत सारे पैरा ओलंपिस्ट हैं। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर शारीरिक अपंगता, शरीर में कोई कमी हो जाए और उस कमी को वो अपनी ताकत बना दे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में मिलेंगे। और हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही कुछ लोगों की प्रेरणात्मक कहानी हमेशा आपके लिए लाते रहें। और संडे जो फंडे है, उस दिन तो हम कोशिश करते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की कहानी जरूर आपके साथ शेयर करूं, जिससे हम उन लोगों को जान सकें जिन लोगों को शायद हम जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना नाम भी रोशन किया है, लेकिन हिंदुस्तान मीडिया में उन खबरों को, उन समाचारों को बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आज अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच जीत कर आती है तो सुबह से शाम तक उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया जाता है, लेकिन क्या पैरा ओलंपिक गेम्स में कोई पदक जीत कर आता है तो क्या उतनी ही तवज्जो उस समाचार को दी जाती है? शायद इसीलिए हम जैसे लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो इन चीजों पर पूरा प्रकाश डालने की कोशिश रहती है कि जो लोग इतना नाम बना चुके हैं, इतना बड़ा काम कर चुके हैं, उनको अभी भी वो मान्यता, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, सबके साथ शेयर करें, हर वीडियो पर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की कहानी, आज का ये प्रसंग, आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। और कहानी हमेशा दिल को छूती है, और मैं समझता हूँ इस कहानी ने आपके दिल को जरूर टच किया होगा, आपकी भावनाओं को जरूर टच किया होगा। देखें हम अपने आसपास कितने लोगों ने किस तरह से ऐसे जगह पर पहुंचकर ऐसी शारीरिक चैलेंज को चैलेंज लेकर शुरुआत की और अपने आप को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। अगर ऊपर वाला आपसे कोई चीज छीनता है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जरूर दे के जाता है, जरूरत है हमें उसको पहचानने की। तो आज की कहानी यहीं तक, कल सुबह इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म, इसी जगह पे हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो एक संदेश दे जाए, कहानी वो जो आपके दिल के करीब हो, कहानी वो जो लगे कि हमारे जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।